चंदा राम जी, बताइए कि पहले भी आप पशुपालन करते थे और अब जो पशुपालन करते हैं, अब कितना समृद्ध हुआ है आपका जीवन और घर में कितनी खुशहाली आई है? पहली में आज में बहुत ज़्यादा फर्क है और अभी खुशहाली इस बात का ही है कि हमारे पशुपालन के मायने डॉक्टर साहब आते हैं, वो टीका लगाते हैं, उसके बाद में वो शंकर टाइप की बछड़ी पैदा होते हैं, उसके दूध भी अच्छा होता है, लंबा समय से दूध तक देती है। पहले 1500 लीटर दूध मिलते थे, अब 2500 तक लीटर दूध मिलता है। आपके घर में इतनी सारी गाय और भैंसे हैं, क्या आपने कभी कोई ट्रेनिंग ली है? पशु में इतने सारे रोग हो जाते हैं, बांझपन भी होता है, क्या उसकी कोई ट्रेनिंग ली थी आपने? हाँ जी, ट्रेनिंग ली है हमने। पहले तो हमारे को मालूम नहीं था, अब ट्रेनिंग लेने के बाद में पता पड़ा है कि कभी कभी कई महीने तो गाय सामी नहीं होती है, बछड़ा फेंक देती है, काफ़ी दिनों तक वापस हरी नहीं होती है। अच्छा। तो हमारे को उससे बहुत बड़ा नुकसान होता था। अब हमने ट्रेनिंग के बाद में हम डॉक्टर लोगों के पास चिकित्सालय में जाते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, वो आकर उसको दवाई देते हैं, 2-3 महीने के अंदर अंदर वो वापस गया। पहले काफ़ी दिनों तक वो नहीं भी आती, बांझ रहती, तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होता, उनको चारा खिलाना पड़ता था, बंटा देना पड़ता था, वो दूध देती नहीं थी। अब हमारे यहाँ चारा भी खिलाते हैं इनको, तो बहुत बढ़िया फायदा है। यानी ट्रेनिंग का बहुत अच्छा, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया फायदा मिला।